गाड़ी संख्या 0588 पटना जंक्शन से चलकर कासगंज को जाने वाली। सो लो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। बहुत टाइम बाद में ऑनलाइन आ रहा हूँ, बहुत टाइम बाद में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। स्पेशल जगह पर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग अभी है कृष्ण जन्मभूमि पे, मथुरा वृंदावन में। फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ, एक होटल लिया है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, रेडी हो चुके हैं, नहा धो लिए। और क्या यहाँ पर होता है, क्या खास है, जैसा भी होता है, सारी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आपको अपडेट देने वाला हूँ। ब्लॉग में आपको दो तीन दिन बहुत मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलते हैं, आगे चलते हैं, लेट्स गो। मथुरा आते से एक चीज़ तो समझ में आएगी, ये लोग सच में गाय को माँ मानते हैं और आपको हर जगह आपको गौशाला देखने को मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग निकले थे प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए, पर जहाँ आकर पता चला कि उनका कुछ टाइम वगैरह रहता है, वो आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग उनकी कुटिया में भोजन करने बैठने वाले हैं। तो गाइस, केली कुंज में खाना खाने के बाद मैं आ गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी के मंदिर खाना। बेसिकली केली कुंज जो है वो है जो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर उनकी कुटिया, वहाँ पर ही वो सारे जो आप सुनते होंगे उनके प्रवचन वगैरह वहाँ पर होता है, और वहीं पर उनका खाना पीने का भी उनके तरफ से रहता है, जिसमें आप जो भंडारे खाने वगैरह के लिए आप डायरेक्ट जाओ, आप वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, वहाँ पर बैठिए, पंगत स्टाइल में खाना वगैरह होता है। आप वो मेरे ख्याल से अभी तो मैंने सुबह में खाया था, इवनिंग का पता नहीं मेरे को कि इवनिंग में खाना होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है, तो इवनिंग वाला अपडेट देता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वैष्णो मंदिर, निकल चुके हैं नहा धो के। यहाँ के मंदिर की जो टाइमिंग्स रहती है वो मॉर्निंग में 12 बजे तक शायद बंद हो जाते हैं सुबह से, और रात में मतलब दोपहर में 4 बजे से चालू होता है और 8-9 बजे तक। अभी वो भी अपडेट लेकर मैं आगे व्लॉग में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग वैष्णो मंदिर और अपडेट करता हूँ मैं आपको। तो गाइज, अभी केली कुंज से अभी लोग हम लोग आए हैं प्रेम मंदिर। केली कुंज बेसिकली जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी है उनका आश्रम वहाँ पर ही है, तो वहाँ से यहाँ पर आए हुए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर से फिर हम लोग ने वैष्णो देवी मंदिर के लिए यहाँ से एक टेम्पो करा है, जो कि अमूमन 20-30 रुपए सारे टेम्पोज वगैरह का लेते हैं। अभी यहाँ से जा रहे हैं वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर जाकर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज, जस्ट स्टेज शो पे मैं अभी जाने वाला हूँ। ये ऑलमोस्ट 141 फिट टॉल है फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल, मतलब 141 फिट लंबी प्रतिमा है वैष्णो देवी जी की। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो प्रतिमा। ऐसे इधर देख के लग रहा है कि सिक्के विक्के की मान्यता रही होगी, पर अभी तो भाई उन्होंने क्लियरली मना कर दिया यहाँ पर सिक्के और फूल यमुना जी में ना डालें। आई थिंक ये मैसेज है यमुना नदी के लिए, यहाँ पर शायद डाल रहे हैं, पर वैसे डालने के लिए मना कर रहे हैं। तो अब की बार कहीं पर भी जाएँ तो सिक्के ना डालें, सिक्के और कोई भी कचरा वगैरह ना डालें। तो ऐसी कुछ दिख रही है पास से प्रतिमा भाई। और हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें घूमने के लिए, तीर्थ स्थल हो गए वहाँ पर घूमने के लिए, तो मतलब अगर हम अपने इंडिया में ही घूमना स्टार्ट करते तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा। मथुरा वृंदावन में जहाँ चारों ओर श्री कृष्ण जन्मभूमि और के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसी बीच में माँ वैष्णो देवी का 141 फीट ऊंचा दरबार भी सजा हुआ है। जम्मू के वैष्णो देवी की तर्ज पर वृंदावन में बने इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। लोगों के अनुसार आज भी इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी करते हैं। इस मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दरअसल पुराणों में ये मान्यता है कि जब माँ वैष्णो त्रिकुट पर्वत की गुफा में तपस्या करने गई थी तो उनका अहित करने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गए थे, तभी माता की रक्षा के लिए हनुमान जी आ गए।
और वैरानाथ से उनकी लंबी लड़ाई हुई। 9 महीने बाद तप कर निकली माँ वैष्णो ने काली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया। इसी मान्यता के आधार पर वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई थी। क्योंकि मैं एक डेकोरेशन वाला था तो भाई मतलब वो देखने के बाद में मेरा डेकोरेशन पे भी ध्यान गया। हालांकि ये पहले फूल अपने पास में रखे हूँ, अपन भी डेकोरेट कर सकते थे ऐसा कुछ। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है मंदिर, यहाँ पर लाइन से आप देखोगे हर भगवान की मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है। श्री कृष्ण जी की है यहाँ पर, गणेश जी की है, और ये कृष्ण जी की लीला की है, फिर हनुमान जी हो गए, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान हो गए। मतलब कंटिन्यूटी में आपको हर टाइप के भगवान जी दिख जाएंगे इसमें। नहीं, इस मतलब लाइन से बहुत सारी प्रतिमा बनाई गई हुई है, बहुत सारे भगवान जी बनाए गए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मंदिर को भी काफ़ी सुंदर तरीके से, क्लीन तरीके से रखा गया है। तो इस मंदिर में आपको कान्हा जी के सारे स्वरूप मिल जाएंगे, प्लस इसमें और भी भगवान वगैरह हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह, प्रतिमाएँ वगैरह बना के रखी हुई है। लीलाओं के बारे में भी बताया गया हुआ है इसमें। एंड देखोगे आप, मंदिर भी काफ़ी क्लीन तरीके से बनाया गया हुआ है। यहाँ पर डेली इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, उसके बाद में भी इतना सुंदर तरीके से मंदिर को क्लीन करके रखा हुआ है वो। और आप पीछे देख ही रहोगे मेरे, साथ ही साथ बात भी करते चलते हैं। और आप प्रतिमाएं भी देखिए यहाँ पर काली जी, और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं, आपको पता नहीं वीडियोज़ में कैसे दिख रहे होंगे, पर मुझे लाइव देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चाहे तो आप आ सकते हैं, अगर वृंदावन आएंगे तो एक बार ज़रूर आना बनता है, मतलब यहाँ पर विजिट ज़रूर करिएगा। चलते हैं यहाँ से, बाहर निकलते हैं। और क्या है यहाँ पर देखने लायक बताता हूँ। एंट्री फीस के नाम पे अभी हमें कुछ नहीं लगा था, डायरेक्ट आए। और जो टिकट लगा था हमारा, टिकट हमारा 15 रुपये लगा था, हमने नेगोशिएट कर लिया था, अदरवाइज 20 रुपये लगते हैं। एंड बस ये था, यहाँ आए और अब लेट्स सी कि अब आगे कहाँ जाते हैं। इस मंदिर में गुफा का निर्माण भी किया गया था, जिसपे माता के 9 स्वरूप 9 रूपों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश और शिव जी की मूर्ति भी लगी हुई है। इस मंदिर में चमड़े की कोई भी वस्तु रखकर या पहनकर आने की अनुमति नहीं है। ये अभी हम गुफा मंदिर के अंदर है, और जैसे कि आप नीचे देखोगे पानी है, एंड ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर गुफा मंदिर के अंदर। और शायद पानी बढ़ता जाएगा, पानी छोड़ के रखा है पहले से ही, ये नहीं आइडिया है, पर पानी है और पैंट भी गीली हो रही है। और ये रहे हमारे गणेश जी, गणेश जी की प्रतिमा है इसके अंदर, गुफा मंदिर के अंदर। तो ये क्या है, श्री गणेश जी का मूल स्वरूप माना जाता है। इस रूप में उसकी उनकी प्रतिमा और पूजा अनादिकाल से चली आ रही है, मतलब इन शॉर्ट गणेश भगवान जी की तारीफ की गई हुई है यार। आई नो कि आप लोग को इतना डीप में ना जानना पसंद है, ना मैं बताऊंगा तो आप सुनने वाले स्किप ही कर दोगे। और ये हमारी वैष्णो देवी, शेरों वाली माँ, ये इनकी प्रतिमा है। ये हमारे हनुमान जी भगवान। चलते हैं, मूविंग टूवर्ड्स टू शेल पुत्री। ओके, तो ये हमारी नेक्स्ट माता जी, माँ दुर्गे अपने पहले स्वरूप में शील रूपी के नाम से जानी जाती थी। पर्वतराज हिमालय के यहाँ वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शील पुत्री नाम पड़ा था। ओके, ये दिया गया है इनके बारे में। अगर आपको जानना हो ज़्यादा तो पॉज करके देख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। एंड ये हो गई हमारी ब्रह्मचारिणी माता। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ओके, मैं वीडियोस वगैरह पर लिंक वगैरह आपको शेयर करते जा रहा हूँ, जो रिटर्न में, आप उसको बाद में पॉज करके भी देख सकते हो। एंड ये आते हैं हमारे माँ चंद्रकंटा। ओके, एंड ये है इनके बारे में। मूविंग टूवर्ड्स टू, तो ये हमारी कुष्मांडा माता जी। माता जी के 9 स्वरूप के बारे में इस मंदिर में बताया गया हुआ, अंदर गुफा मंदिर के बारे में। तो ऐसा कुछ है, और आर्टिफिशियली ऑब्वियसली बनाया गया हुआ है इसको। एंड अब ये जा रहे हैं अपन वापस ऊपर। तो गाइस, इतनी दूर आकर मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि आपको दूर से ही दर्शन करवा दूँ। तो ये रही हमारी माता जी, वैष्णो देवी माता जी। मतलब रियलिटी में बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको शायद वीडियोस में इतना फील नहीं आ रहा होगा। अगर फील चाहिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, वृंदावन आना पड़ेगा। वृंदावन पे वैष्णो देवी माता मंदिर बहुत सुंदर लग रही है यार, बहुत बड़ी प्रतिमा यार।
चलिए यहाँ से चलते हैं, अपन परिक्रमा करेंगे अपन यहाँ से। परिक्रमा करने के बाद में ओके, ये माता जी का ही है, माता जी की परिक्रमा कर रहे हैं अपन लोग। तो ये देवी जी के चरण पादुका है रियल वाली। तो अभी जो हम परिक्रमा कर रहे हैं वो देवी वैष्णो देवी माता जी के राइट से कर रहे हैं, और ये ऐसा कुछ साइड से दिखता है, और अभी वहाँ पर भी शायद कोई मंदिर ही बन रहा है। तो फिर ये वे आउट के लिए यहाँ पर कुछ माता जी के प्रतिमाएं वगैरह हैं, और अभी हम लोग ने जो परिक्रमा थी वो कर ली एंड अब यहाँ से बाकी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं यहाँ से अपन नीचे। कात्यायनी माता जी, फिर हमारी काल रात्रि काली माँ, ये इनके बारे में। ये हमारी माँ गोरा जी माँ, और इनके बारे में ये लिखा गया है। सिद्धिदात्री माता जी, अच्छा ओके, श्री भैरव जी, तो ये सुंदर सा फाउंटेन यहाँ पर। तो गाइज अभी वीडियो में आपने जैसे कि देखा होगा वैष्णो देवी मंदिर घूमने आया था मैं, जो कि है वृंदावन में, और आने वाले व्लॉग में आपको और भी मंदिरों के बारे में पता चलेगा जो हमारे वृंदावन में होने वाले हैं। जितने ज़्यादा मैं कवर कर सकता हूँ उतने ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें बेसिकली मुझे कोई एंट्री फीस नहीं लगी, एंट्रेंस पे मैं आ गया, जूते वगैरह रखने के लिए वहाँ पर प्रॉपर सुविधा है वगैरह, वहाँ पर आपको बैग दे देते हैं, आपको बैग मिल जाएगा, आप वहाँ से टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आप एंटर करते हो आपको देखने को मिलेगी हमारे इंडिया की जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उस टाइम पे टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से इसको खिताब दिया हुआ था, तो वो आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएगी वैष्णो देवी जी की जैसे ही आप अंदर घुसते हैं। उसके बाद में आप जाएंगे मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर आपको बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिल जाएगी। प्रतिमाएं देखने के बाद में आप जैसे ही बाहर निकलेंगे गुफा मंदिर जाएंगे, गुफा मंदिर में आपको हमारी जो माता जी है माता जी के नव स्वरूप दिख जाएंगे, और भैरव जी की मूर्ति भी दिख जाएगी, प्रतिमा भी दिख जाएगी। आप जैसे ही ऊपर जाते हो प्रतिमा लगाने के लिए तो आपको वहाँ पर चरण पादुकाएं मिल जाएंगे जो कि वैष्णो देवी जी की है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको व्लॉग में मज़ा आएगा, अगर आपको व्लॉग में मज़ा आया तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है नितिन, मेरे चैनल का नाम है व्लॉग्स में नितिन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच।